तो ये हमारी बाइक कवर में सही सलामत, सही सलामत से हमारी बाइक, बट कवर का गेम बच गया है एंड ये फट गया है। ये फटा नहीं है, ये फाड़ा गया है। ये बिल्ली ने अपना घर यहाँ पे फ्रंट सीट पे बना लिया है, तो उसकी वजह से वो उसके नखून से फट गया है। तो अभी मैं कवर निकालता हूँ और मिलता हूँ। तो बाइक, मुझे टेंशन आ गया था बाइक के सीट को फाड़ना दे बिल्ली, बट सीट को कुछ नहीं किया उसने, अपने घर को कुछ नहीं किया। तो ये रही हमारी बाइक एंड ये मुझे पता है इसका गेम बच चुका है। मैंने लास्ट इसको चालू किया था 20 जुलाई को एंड आज तारीख है 2 अगस्त। 1 2 3 बैटरी सही है, बट मेरे हिसाब से पेट्रोल का कुछ लोचा हो गया रहेगा। तो बाइक भी देख सकते हो क्या गंदी हो चुकी है एंड ये पेट्रोल ही नहीं है अंदर। मुझे पहले से डाउट था ऐसा कुछ हो सकता है, तो इसलिए मैंने पेट्रोल रेडी करके रखा था। तो 1 लीटर पेट्रोल डालने के बाद में आई होप ये चालू हो जाए। मैं सीधी कर दूँ बाइक, थोड़ा पेट्रोल टैंक तक पहुँचेगा। माय गॉड, ये हो गई चालू यार, तो पेट्रोल की कमी थी। ऊपर हाँ। हेलो नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्क्वाड निक। आई एम निसर। फाइनली अपने 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके। एक अलग ही एक सुकून है, मजा है, एक अलग ही एक, समझ पा रहे हो यार आप, एक अलग एक फील है 10,000 बोलने में। तो अपने 10,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और हम सेलिब्रेट 10,000 सब्सक्राइबर ना करें, ये पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। हम सेलिब्रेट करेंगे, हम अपने स्टाइल में सेलिब्रेट करेंगे। हम जाएंगे राइड पे भी और हम नॉर्मली भी सेलिब्रेट करेंगे अपने 10,000 सब्सक्राइबर। यादगार होना चाहिए अपना 10,000 सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन। तो राइड के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है बाइक। तो मैंने सोचा बाइक में क्या क्या फॉल्ट है उसको रिपेयर कर देते हैं, उसको ठीक कर देते हैं, बिकॉज अपने को अपनी राइड चाहिए एकदम सेफ। सो 10,000 सब्सक्राइबर हो गए अपने, थैंक यू सो मच, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। फिर अभी उसके बाद अभी मैं इंस्टाग्राम पे भी आ गया हूँ, तो पता है मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लो क्या करना है आगे। वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ, स्मार्ट होगा क्या। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं डाला था, मेरे 10,000 सब्सक्राइबर आए गए समथिंग 7-8 दिन पहले ही हो गए थे, बट मेरे दिमाग में था मैं मेरी राइड आफ्टर 10,000 सब्सक्राइबर मैं मेरी राइड का वीडियो ही सबसे पहले डालूंगा। फिर उसके बाद मैं, ये तो एक पहला रीज़न था, और दूसरा रीज़न था 4-5 दिन से कंटिन्यूस बारिश है, क्या करेगा, घर पे ही बैठे हम। तो बस यही बात करनी थी, अभी यहाँ से निकलते हैं, आगे की बातें आगे करेंगे। मैंने सेम गलती जो मैं पिछले साल की थी, 20-25 दिन मेरी बाइक बंद, वही ये साल भी हो गई थी, सिर्फ 10 दिन थी। मुझे लगा नहीं था इतना इजीली स्टार्ट हो जाएगा, बट हो गई, पेट्रोल नहीं था बाइक में एंड मैंने बैटरी नहीं डाली थी। तो मैं इतने दिनों से व्लॉग नहीं डाल रहा था। सबसे पहले मैं बाइक स्टार्ट कर दूँ। वाओ, एक इलेक्ट्रिक स्टार्ट में स्टार्ट हो गई यार। 10 दिन बाद कर रहा हूँ, एटलीस्ट 10 दिन बाद तो कर रहा हूँ मैं स्टार्ट। फिर उसके बाद मैं एक्साइटमेंट में भूल गया मैं क्या बोलने वाला था, बट ठीक है। सबसे पहले आज का प्लान हमारा क्या है वो बताने से पहले मैं बाइक में डाल देता हूँ पेट्रोल, बिकॉज सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल है अंदर और अंदर पेट्रोल है नहीं। तो मैं पेट्रोल डालता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। तो यहाँ पे हमारा हो गया पेट्रोल डाल के। एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा, बारिश में अपनी बाइक, आपकी बाइक कुछ भी रहेगी, उसको एटलीस्ट 2 दिन में ज़रूर स्टार्ट करना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। पिछले साल मैंने मेरी बाइक 20-25 दिन के लिए बंद कर दी थी, बैटरी डेड हो गई थी। तो ये मैं सजेस्ट करूँगा एंड मैंने मेरी बाइक स्टार्ट नहीं की क्योंकि मेरी बैटरी नहीं है, मुझे 2 साल की गारंटी वारंटी, अगर मेरी बैटरी को कुछ हो जाता है डायरेक्ट बैटरी रिप्लेस, डायरेक्ट नई बैटरी। तो ये तो होगी बैटरी की बात। अभी मेन चीज़ प्लान, अपना प्लान है हम ट्रैवल कर रहे हैं समथिंग 30 किलोमीटर सिंगल टाइम, तो सो टोटल ओवरऑल हो जाएगा अपना 60 किलोमीटर। एंड इतना ट्रैवल करने का मेन रीज़न है मेरी बाइक चलेगी हाईवे पे, और हाईवे पे मैं जब गाड़ी चलाऊंगा तब मुझे एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि लाइक मेरे बाइक में मुझे क्या क्या काम करवाना है। सो वो जो कुछ भी काम रहेगा वो हम गैराज पे से काम करवा लेंगे। सो अपनी बाइक भी हो जाएगी रेडी राइड के लिए।
एंड अभी क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है एंड ये टाइम पे मुझे ट्रैफिक मिलना नहीं चाहिए. सो नाउ वी आर गुड टू गो. सो लेट्स मूव फ्रॉम हियर. लेट्स गो नाउ. तो गाड़ी हालत गेम बच चुका है. तो बेसिक क्या क्या करना है, मैं मेरे हिसाब से तो चेन लूबिंग है वेरी इंपॉर्टेंट. देन गियर शिफ्टिंग टफ हो गई है तो यहाँ पे ऑयलिंग करनी है, ये पार्ट में ऑयलिंग करनी है. फिर उसके बाद में क्लच भी थोड़ा जाम हो गया है तो यहाँ पे भी ऑयलिंग करनी है. ये भी थोड़ा टाइट हो गया है तो यहाँ पे भी थोड़ा ऑयलिंग कर देंगे, सही हो जाएगा. सबसे इंपॉर्टेंट गाड़ी को धोना भी है एंड मेरा फ्रंट ऑयल सस्पेंशन लीक होता है, उसको भी मैं चेंज कर दूंगा. तो ये थोड़े बेसिक थे, ये मैंने बताया. एंड देन रियर ब्रेक भी लूज़ हो गया मेरा तो उसको भी टाइट कराना है. तो ये तो बेसिक प्रॉब्लम्स थे जो मैंने सोचा आपको मैं बताऊं. सो अभी बज रहे 5:30. प्लान था मेरा यहाँ से हम लोग कुछ निकलेंगे 3-4 बजे के आसपास, वहाँ पे पहुँच जाएंगे 6 बजे तक. तो मैं बाइक को लेकर डायरेक्ट गैराज पर चला जाऊँगा, बट यहाँ पे अभी भी आ रही है बारिश तो बारिश में हम रुक गए. बट ये बहुत ही अच्छा हो गया, मैं घर से बाहर निकला, बाइक मैंने 30 किलोमीटर चला ली, हाईवे पे चला ली, बारिश में भी चला ली. तो मुझे एक अच्छा आइडिया मिल चुका है कि मैंने गाड़ी में क्या क्या काम करवाना है. तो अभी भी हम निकल नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे अभी भी स्टिल बारिश आ ही रही है. तो यहाँ पे हमारी बाइक बारिश में खड़ी है एंड अभी भी बारिश चल ही रही है. तो अभी रुकते हैं यहाँ पे एंड देन यहाँ से रात को लेट पहुँचेंगे बिकॉज बीच में ट्रैफिक मिलेगा एंड 8 बजे तक गैराज हो जाते हैं बंद. सो कल काम करवा लेंगे बाइक का एंड देन फिर हमारी बाइक रेडी हो चुकी होगी हमारी 10,000 सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन राइड के लिए. तो अभी बज रहा है 6:30 और हम निकल हो चुके हैं यहाँ से, बट अभी स्टिल बारिश आ ही रही है. बट बारिश पहले से थोड़ी सी कम हो गई है तो सोचा ये राइट टाइम है, बट मुझे मैं श्योर हूँ गैराज अभी चालू होगा नहीं. तो गैराज पे तो हमें कल ही जाना पड़ेगा. तो अभी यहाँ से निकल जाए बस, ट्रैफिक कम मिले. ट्रैफिक मिल नहीं है बट फिर भी कम मिले इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स होप फॉर द बेस्ट और निकल जाए यहाँ से. तो मैं मुलुंड तो पहुँच गया 8 बजे तक. लकीली बहुत बहुत गंदा वाला बच गया मेरा GoPro. हुआ क्या, यहाँ पे हेलमेट माउंट किया था मैंने, हेलमेट माउंट यहाँ से ऐसा निकल गया चेन माउंट, कुछ हुआ नहीं. GoPro ऐसे ही हाथ में पकड़ लिया, नहीं तो GoPro गिर जाता, बड़ा हार्ट अटैक आ जाता. और बजे 8 एंड आई डोंट थिंक सो अभी अपने को गैराज पे जाने मिलेगा. तो डायरेक्टली अभी कल सुबह गैराज जाएंगे और जो कुछ भी अपने गाड़ी का काम है सब करवा लेंगे. बीच में हल्की हल्की बारिश थी, पूरा पूरा हो चुका है लेकिन बहुत मज़ा आ गया. ये 30 किलोमीटर ही था टोटल, 60 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया लेकिन बहुत मज़ा आ गया. तो अभी डायरेक्टली कल सुबह गैराज पे. सो नेक्स्ट मॉर्निंग अपने गाड़ी का काम ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है एंड अपने गाड़ी का काम किया है किरण भाई ने. भाई थैंक यू सो मच. सो ये थी अपनी गाड़ी का काम, जो भी बेसिक प्रॉब्लम मैंने बताए थे वो सब सॉल्व हो चुके हैं एंड अपनी बाइक अभी रेडी है जाने के लिए. तो अभी बचते हैं 2 चीज़ बाइक में काम करवाना, एक तो गाड़ी को अच्छे से धोना है एंड देन उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज़ चेन लूबिंग. तो मैं ये ब्लॉग में वो दिखाऊंगा नहीं, वो मैं इंस्टाग्राम पे दिखा दूंगा. फिर उसके बाद में लोकेशन और किसके साथ जाने वाला हूँ वो भी यहाँ पे नहीं, वो उसको अपन इंस्टाग्राम पे डिस्क्लोज करते हैं. सो पता है ना क्या करना, अभी मैं इंस्टाग्राम बोल रहा हूँ तो जाओ वहाँ पे फॉलो करो, वहाँ पे मैं सब कुछ बता दूंगा. चेन लूबिंग कर रहा हूँ, बाइक धो रहा हूँ, लोकेशन भी मैं वहाँ पे एक रात पहले बताऊंगा एंड किसके साथ जाने वाला हो वो भी वहाँ पे एंड सामान क्या 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 कैरी करने वाला हो वो सब मैं वहाँ पे ही बता दूंगा. तो अभी यहाँ तक हो तो सब्सक्राइब करके आना, नए हो तो सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब किया लाइक कर देना. बस इतना ही रखते हैं व्लॉग में, बहुत एक्साइटेड हूँ राइड के लिए. सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ योर डे. लव योर ड्रीम्स, कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, योर ड्रीम्स विल कम ट्रू. डू स्टफ दैट यू लव एंड कीप रॉकिंग. बाइक रेडी है, एक्साइटमेंट फुट फुट के बाहर आ रहा है. बस खत्म करते हैं, प्लीज बी द पार्ट ऑफ द स्क्वाड. वीडियो खत्म, जाओ जाओ, बाय.
तू मुझे डिस्ट्रैक्ट कर ले या तो मैं व्लॉग बना लेता हूँ। तो 30 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई, हाईवे पे भी गाड़ी चलाई, तू भी डिस्ट्रैक्ट कर ले मुझे, मैं व्लॉग बनाऊँ या तुम लोग नहीं चालू है डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो तुम लोग मुझे व्लॉग में। हम लोग आने का वीडियो यूट्यूब पे वीडियो में आ रहे हैं तुम लोग वाला।